जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में तांगशान को वापस क्लेयस का हैमर में जाकर एल्डस से बहस करते हुए देखा, और अब एल्डस तांगशान को फाइट की चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मुझे बिना मार्शल सोल का यूज किए हरा दिया तो मैं तुम्हारे पापा को अपने दिल से एक्सेप्ट कर लूंगा। अब इसके आगे क्या होगा वो तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन अभी हमारे सामने उसका ट्रेलर आ गया है और आज हम उसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तांगशान और पांचों एल्डर्स के बीच अब फाइट होने लगती है। सबसे पहले सेवेंथ एल्डर लड़ने के लिए आगे आते हैं और तांगशान और वो अपने हैमर का यूज करके एक दूसरे पर हमला करते हैं। इस ट्रेलर के अंदर हमें कभी भी तांगशान का ट्राइडेंट नहीं दिखता है। अगर तांगशान अपने ट्राइडेंट को यूज करेगा तो वो सभी एल्डर्स बहुत आसानी से ही हार जाएंगे, क्योंकि एक एल्डर जब ये कह रहा था कि एक हैमर का वजन 1500 किलोग्राम है तो उनको तो ट्राइडेंट का वजन पता ही नहीं है जो कि 54,000 किलोग्राम है। सेवेंथ एल्डर और तांगशान के बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है जिसके अंत में तांगशान सेवेंथ एल्डर को हरा ही देगा और सेवेंथ एल्डर के मन में तांगशान के लिए डर बैठ जाएगा। सेवेंथ एल्डर के हारने के बाद पांचों एल्डर्स की शक्ति कम हो जाएगी। हालांकि ये पांच एल्डर्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं और इनका पूरे सोल लैंड में नाम है। अगर ये पांचों टीम वर्क के साथ तांगशान को हराने की कोशिश करें तो शायद ये एल्डर्स जीत सकते हैं। अब फिर एक एल्डर जॉइंट स्किल का यूज करते हुए तांगशान पर हमला करते हैं और उसे हराने की कोशिश करते हैं। तांगशान भी लड़खड़ाने लगता है, लेकिन क्योंकि तांगशान लेवल 92 पर है, उसके पास 6 सोल बोन है और ट्विन मार्शल सोल है और साथ ही साथ 5 स्पिरिट रिंग 1,00,000 साल पुरानी है, इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ को इवॉल्व कर सकता है। तांगशान अपना बहुत ज्यादा एरोगेंट रूप ले लेता है और जब सभी एल्डर तांगशान के इस रूप को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और अब तांगशान उनको हराने की स्ट्रेटजी खोजने लगता है। उसके पास कई सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और कई सारी कंट्रोल स्किल्स हैं जो तांगशान को एल्डर से निपटने के लिए केपेबल बनाती हैं। तांग हाओ ने एक बार मार्शल सोल हॉल के सभी एल्डर्स को अकेले मात दे दी थी और तांगशान तांग हाओ से भी ज्यादा जीनियस है, इसलिए वो इन एल्डर्स को थोड़ी मुश्किलों के बाद हरा ही देगा। लेकिन क्योंकि ये एल्डर्स एक साथ फ्यूजन स्किल का यूज कर रहे हैं, इसलिए शायद तांगशान कमजोर पड़ सकता है। ट्रेलर के अंदर हम एक बहुत बड़े हैमर को तांगशान के ऊपर भी आता हुआ देखते हैं। एल्डर्स इस टेक्निक का नाम हैमर द वर्ल्ड बताते हैं। हैमर शेकिंग द वर्ल्ड का एल्डर्स ने जो अभी इस्तेमाल किया है, हालांकि ये ग्रेट समेरियन हैमर जितना शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 5 सोल लैंड मास्टर का कंबाइन अटैक है, इसलिए तांगशान पर ये भारी पड़ सकता है। तांगशान एल्डर्स की कंबाइन पार को अच्छे से जानता है, सो तुरंत एक स्ट्रेटजी बनाता है। अब फिर वो बड़ा सा हैमर तांगशान को लग जाता है और सभी सोचने लगते हैं कि तांगशान इसके नीचे आकर हार गया है, लेकिन वो फिर से तांगशान को देखकर हैरान हो जाते हैं। और ऐसा कैसे हुआ है वो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। सो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।